सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई कैन क्रिएट टीचर। मैं हूँ जित्तू। तो फर्स्ट ऑफ आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज मैंने बहुत लेट कर दी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज मैं जो सारे बातें बताने जा रहा हूँ और जो इफेक्ट का ट्यूटोरियल लाया हूँ उसको ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा भी स्किप मत करना। टुडे आई एम गोइंग टू सिंग अबाउट हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ वाटर इफेक्ट इन प्रिज्मा 3D। आपको तो पता है कि एक बार मैंने यह वीडियो अपलोड किया था जिसमें बहुत सारे प्यारे दोस्तों ने मुझे इसका ट्यूटोरियल लाने के लिए कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज इस इफेक्ट को मेक करके दिखाने वाला हूँ। और एक बात फ्रेंड्स, मैं कभी फेक वीडियो मेक नहीं करता, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट में मत लिखना कि ये फेक वीडियो मेक करता है बोल के, क्योंकि सारे वीडियो मेक करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और सारे इफेक्ट जो है मेक करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत आइडिया लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं प्रिज्मा 3D के स्क्रीन पर। अब क्या करें, न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद इधर देख सकते हैं ऊपर में एक क्यूब है, इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद स्पीयर को इनपुट कर लेना होगा। इनपुट करने के बाद क्या करें, इसमें टेक्सचर डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने जो है टेक्सचर डाल लिया। टेक्सचर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। मैंने इस वाले टेक्सचर को जो है डाल दिया। इसमें डालने के बाद क्या करें, स्पीयर को क्लिक करके ग्रुप कर लेना होगा। ग्रुप होने के बाद इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से थिन कर लेते हैं, एक्सपांड कर देते हैं इसको। एक्सपांड हो चुका है ये हमारा। अब क्या करें, स्पीयर में क्लिक करना होगा। एक बार क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से आप सेट कर लेना होगा आपको उसका टेक्सचर को। हाँ, ऐसा टेक्सचर रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब ग्रुप में क्लिक करने के बाद ग्रुप को थोड़ा कुछ इस तरीके से आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो, आप जितना रियलिस्टिक चाहते हो आप। तो ये हमारा हो चुका है, और थोड़ा इसको जो है कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है हो चुका है सेट। अब क्या करें, इसमें जो है एनिमेशन देना है, तो मॉडलिंग में क्लिक करके एनिमेशन आ गया। अब क्या करें, स्पीयर को क्लिक करें। एक बार क्लिक करने के बाद रोटेशन में जाए और इसमें की फ्रेम डाल दे 0 पे, और आप जितना तक रोटेशन देना चाहते हैं उतने क्रिप